Hello! एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज का नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेफ्टी सेफ्टी का क्या मतलब है चिल्ड्रन सेफ्टी का मतलब है वो सारी चीजों को फॉलो करना पालन करना जिससे हम सब रहें सेफ एंड सिक्योर्ड प्रोटेक्टेड रहे राइट right? सुरक्षित रहे जैसे हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आप फॉलो करते हो ताकि आप स्कूल में सेफ रहो स्कूल की चीजें सुरक्षित रहें घर पे कुछ नियम कानून होंगे जिससे घर का सामान भी खराब ना हो और आप भी सेफ रहें उसी तरह से चिल्ड्रेन हम लोग आज सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें एरियाज में जैसे रोड्स पे कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए प्लेग्राउंड पे कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए घर पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम सभी रहे सेफ और सिक्योर्ड ओके okay? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिल्ड्रन क्योंकि ये आपके चैप्टर के अलावा आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राइट सो दैट वी ऑल शुड नो दैट वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इफ फॉलोड देन वी आर सेफ ओके सो लेट स्टार्ट माई डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन इफ़ यू हैव टू ऑबे यू हैव टू ऑबे रूल्स एवरीवेयर येस ये ज़रूरी है कि हमें रूल्स फॉलो करना पड़ता है हर जगह ठीक है ओबे मतलब मानना फॉलो करना सो यू हैव टू ओबे रूल्स एवरीवेयर मैनी रूल्स हैव बीन मेड फॉर आर सेफ्टी लेकिन आप बोलोगे मैम क्यों फॉलो करना पड़ता है रूल्स सो चिल्ड्रेन क्योंकि ये सारे रूल्स बने हैं हमारी सेफ्टी के लिए हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ताकि हमें कभी कोई चोट ना लगे हम कभी हर्ट ना हो जाएँ इसलिए चिल्ड्रेन वी हैव टू ओबे द रूल्स एवरीवेयर वी आर ओबेइंग द रूल्स टू कीप आरसेल्स सेफ इफ़ एवरी वन ओबेज दीज रूल्स देर विल बी वेरी फ्यू एक्सीडेंट्स और चिल्ड्रन अगर सब लोग ये रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप जो जगह जगह पर एक्सीडेंट्स देखते हो ना एक्सीडेंट्स का मतलब जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है या फिर गाड़ी रोल हो के उलट जाती है या फिर किसी को चोट लग जाती है गाड़ी में टकरा जाने से तो चिल्ड्रन अगर सब लोग ये वाले रूल्स फॉलो करेंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं परेशान होगा एवरी वन रिमेन विल रिमेन सेफ एंड इसलिए चिल्ड्रेन आप सबको ये रूल्स एंड रेगुलेशन जानना बहुत जरूरी है ताकि किसी को भी किसी भी परेशानी से ना गुजरना पड़े Here are some safety rules for us to follow. So, today we are going to tell you about some safety rules. Okay? Aaj yeh parho saare safety rules. And also tell your parents and your big brother, small sister that whenever we are going on the road or whenever we are at home, we should follow some rules and regulations so that we all can be safe. Okay? So, we have to obey rules everywhere. Hameh. हर जगह रूल्स का पालन करना पड़ता है क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट ठीक है अगर हम सेफ रहेंगे अगर हम सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम सब हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से सामना नहीं करना पड़ेगा एंड दैट इज वाई यू कैन सी दिस पर्सन ही इज होल्डिंग वन बोर्ड एंड इन दैट बोर्ड इट इज कमिंग सेफ्टी फर्स्ट ठीक है ओके okay.

आप ग्राउंड में जाओ आप घर में इंडोर गेम्स खेलो आप पार्क में खेलो बट चिल्ड्रन रोड्स पे आप बिल्कुल नहीं गेम खेलेंगे या फिर कुछ भी नहीं ऐसा काम करेंगे जहां पे आपको चोट लग सकती है ओके सो दैट इज वाई इट इज सेंग रिमेंबर दैट रोड्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग ओके स्ट्रिक्टली इट इज सेंग दैट रोड्स आर नॉट मेंट टू प्ले प्लेइंग ऑन द रोड्स कैन भी डेंजरस रोड्स पे खेलना कभी कभी खतरनाक हो सकता है बहुत डेंजरस हो सकता है ओके सो इफ यू फाइंड एनी चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड स्टॉप दैम दैट यू प्लीज गो एट होम और प्ले सम इनडोर गेम्स और गो एंड प्ले ऑन द ग्राउंड बट डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स बिकॉज प्लेइंग ऑन द रोड्स आर वेरी वेरी डेंजरस थिंग ओके ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ओके हमेशा अगर वॉक करना है रोड पे तो हमें कहा करना है फुटपाथ पे करना है चिल्ड्रन ओके okay? आपने रोड के साइड में एक ऐसी पट्टी सी देखी होगी तो वो क्या होती है वो होती है फुटपाथ अब फुटपाथ कैसे फुट और पाथ ठीक है आपका पैर का फुट हो गया और पाथ मतलब होता है रास्ता तो बना ही उन लोगों के लिए है जो वॉक करते हैं जो वॉकर्स होते हैं ओके सो वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड यू शुड ऑलवेज यूज वॉट फुट पाथ ठीक है देन okay? so

ना चाहिए ये क्रॉसिंग बिकॉज क्रॉसिंग आर सेफ वेन एवर यू आर क्रॉसिंग वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द रोड जीब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप वॉक करेंगे तो गाड़ियां अपने आप स्टॉप हो जाएंगी दे विल नॉट क्रॉस यू ओवर ओके एंड दैट इज वाई इट इज सेंगे जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड सबसे पहले क्या करना है हमेशा अगर चलना है रोड पर तो फुटपाथ का यूज करना है और दूसरा अगर आपको रोड पर क्रॉस करना है दूसरी तरफ जाना है तो जीब्रा क्रॉसिंग यूज करके जाना है क्लियर रोड्स पे ये दो चीज का आपको पालन करना ही है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच वी आर डिस्कसिंग ओके फोर क्रॉसिंग लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट एंड ऑल्सो चिल्ड्रन जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो लुक टू योर राइट देन लुक टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन लुक टू योर राइट एंड देन क्रॉस द रोड ओके आज से और अभी से जब भी आप रोड क्रॉस करोगे तो आप खुद और अपने साथ दूसरों को भी जो आपके साथ हैं उनको बताओगे कि वेन एवर वी क्रॉस द रोड फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड यूज़ जीब्रा क्रॉसिंग एंड ऑल्सो वेन यू आर क्रॉसिंग द रोड यू शुड लुक टू द राइट फर्स्ट एंड देन यू लुक टू योर लेफ्ट फर्स्ट एंड देन अगेन यू लुक टू योर राइट एंड देन क्रॉस ठीक है अगर आप ये सब करोगे चिल्ड्रन कभी आपको चोट नहीं लगेगी कभी भी यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ ओके नाउ वॉक इफ द रोड इज क्लियर नेवर रन टू क्रॉस द रोड ओके और क्रॉस भी कब करना है जब आपको पता चल जाए कि रोड क्लियर है कैसे पता चलेगी राइट right देख लिया लेफ्ट देख लिया राइट right देख लिया क्लियर रोड नो वेहीकल्स अराउंड देन क्रॉस द रोड ठीक है और एक चीज नेवर रन टू क्रॉस द रोड दौड़ के रोड कभी क्रॉस नहीं करना आपने देखा होगा मार्केट में चिल्ड्रन की देर आर पीपल हु वॉन्ट टू क्रॉस द रोड एंड दे आर रनिंग सो दैट गाड़ी जल्दी से ना आ जाए बट वो बहुत बुरी आदत है बैड प्रैक्टिस नो वन शुड डू दैट अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो यू डोंट नो दैट एट व्हाट स्पीड दैट कार इज कमिंग राइट और हो सकता है कि वो कार आपसे ज्यादा स्पीड में आ रही हो और आप रन कर रहे हो आप गिर भी सकते हो और अगर वो कार नहीं रुकी तो है ना सो so, इसलिए चिल्ड्रन आपको रोड्स पे बहुत सतर्क रहना पड़ता है ओके okay? बहुत अलर्ट रहना पड़ता है एंड यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड ठीक है अगर आपको सेफ रहना है अगर आपको सुरक्षित रहना है तो ये सारे नियम का अगर आप पालन करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा यू विल बी ऑलवेज सेफ ओके सो so, क्या क्या पढ़ लिया हमने हमेशा फुटपाथ पे चलो दूसरा जीब्रा क्रॉसिंग यूज करो रोड क्रॉस करने के लिए एंड क्रॉसिंग से पहले लुक टू योर राइट लुक टू योर लेफ्ट लुक टू योर राइट अगेन एंड इफ द रोड इज क्लियर क्रॉस द रोड बट क्रॉसिंग द रोड डज नॉट मीन यू आर रनिंग एंड क्रॉसिंग द रोड ओके स्लोली स्लोली आप क्रॉस करो ताकि आप गिरो ना राइट सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और व्हेन यू आर गोइंग ऑन द रोड्रेन वेटिंग फॉर योर स्कूल बस ये तो सबको पता होगा स्कूल बस में कितनी भीड़ होती है और सब लोग झुंड लगा के बस में चढ़ने कोशिश करने लगते हैं राइट बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस वाई बिकॉज यू शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ वेटिंग फॉर योर स्कूल बस आपकी जब स्कूल बस आने वाली होती है तो उससे पहले आप सबको लाइन लगा लेना चाहिए ओके एंड वन बाय वन बाय वन गेट इन द बस ठीक है गेट इन और ऑफ द बस ओनली वेन इट हैज स्टॉप्ड मूविंग और एक बात चिल्ड्रन हमेशा बस पर चढ़ो या बस से अगर उतरना है तो तभी ये काम करो जब बस टोटली मूव करना बंद कर देती है ऐसा कभी नहीं कि बस धीरे हो रही है एंड यू आर गेटिंग डाउन और बस धीरे हो रही है और आई यू आर ट्राइंग टू गेट इन साइड नो इट इज़ अ रॉन्ग हैबिट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि आप गिर भी जाओ तो आपको यह काम बिल्कुल नहीं करना है भले बस छूट जाए, लेकिन चलते समय न चढ़ो, न उतरो। किसी भी गाड़ी से ओके okay, हमेशा वेट करो वेन द बस इज कंप्लीटली स्टॉप देन गेट इन साइड और गेट डाउन फ्रॉम द बस नेवर लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस और कार और एक बात कभी भी मूविंग कार या मूविंग बस से लीन नहीं होना चाहिए निकलना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप गिर जाएं या फिर दूसरी गाड़ी आपको हार्म कर दे इसलिए चिल्ड्रन जब आप गाड़ी के अंदर भी हो तो आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है बहुत सारी सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ता है ठीक है सो यू कैन सी हाउ नाइसली दी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड दे आर वेटिंग फॉर द बस एंड वेन द बस इज अभी जब आपके स्कूल हैं और आप स्कूल के लिए जाने वाले हैं तो आप सब क्या करोगे लाइन पे खड़े होके चढ़ोगे ओके और अगर कोई नहीं करता है तो टू मेक देम अंडरस्टैंड मेक हिम और हर अंडरस्टैंड कि सुनो दोस्त अगर तुम चलते हुए गाड़ी में चढ़ोगे तो हो सकता है तुम गिर जाओ और तुम खुद तो गिरोगे और दूसरों को भी हर्ट करोगे ठीक है सो so, इस तरह से मेक अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड टेल दम अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट एवरी वन कैन बी सेफ ओके सो दिस इज अबाउट द रोड वाइल्ड साइक्लिंग ऑन द रोड अब जब साइकिल चलाते हैं बच्चों जो आप सभी चलाते हो गए है ना साइकिलिंग इज फन राइट वाइल्ड साइक्लिंग ऑन द रोड कीप टू योर लेफ्ट ऑलवेज गिव अ सिग्नल बिफोर टर्निंग ओके जब भी आप साइकिल चलाओ मेरे बच्चों आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे ही चलाना है ओके डोंट साइकिल वेन यू आर एट द राइट क्योंकि राइट right साइड में गाड़ियाँ आना जाना करती हैं टेक ओवर करती हैं तो अगर आपको सेफ रहना है हमेशा बी एट योर लेफ्ट साइड ओके okay? अगर आपको राइट right टर्न लेना है तो आपको राइट right वाले हैंड से टर्न दिखाना है ओके okay? अगर आपको स्लो या स्टॉप करना अगर आपको साइकिल अपनी धीमे करनी है रोकनी है तो हाथ को नीचे करना है ओके यू कैन जस्ट सी The signs that when you are cycling, you can do you can use such actions. Then if you are taking the left turn, aapko left hand say your direction hai that you are turning left side. Okay. So these are the signs. So that when you are cycling on the road, you can tell others who are coming behind you that when you are you taking the right turn, when are you taking the left turn and when you are slowing down the cycle and when you are stopping yourself. ओके okay, तो ये है चिल्ड्रन कुछ आपके साइंस प्लीज लुक हियर केयरफुली लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड राइट के लिए राइट right हैंड और अगर स्लो या स्टॉप करना है तो हाथ को नीचे करना है तो पीछे वालों को समझ में आ जाता है ओके सिग्नल बिफोर टर्निंग दीज आर द सिग्नल्स व्हेन यू आर टर्निंग यू आर यूजिंग दैम ओके चिल्ड्रेन सो दिस इज अबाउट द रोड वी आर स्टडिंग अबाउट द रोड दैट हाउ कैन वी बी सेफ हाउ कैन वी फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू रिमेन सेफ ऑन द रोड ठीक है तो हमने पढ़ लिया जब वॉक करते हैं तब क्या करना है जब रोड क्रॉस करते हैं तब क्या करना है बस में कैसे चढ़ना है बस से कैसे उतरना है साइकिलिंग कैसे करनी है ये सब हमने पढ़ लिया अब बारी आती है एट होम अब घर में तो हम अपना 90% परसेंट टाइम गुजारते हैं तो घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ताकि हम सब क्या रहें सेफ रहे ओके फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी यूजफुल यस बिना फायर के बिना इलेक्ट्रिसिटी के घर में रहना हो जाता है मुश्किल ओके सो दैट इज वाई फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी वेरी यूजफुल वेन यू आर एट होम देन बट दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस बट वो क्या होते हैं खतरनाक भी होते हैं खतरनाक कैसे होते हैं क्योंकि आप अगर आग से खेलोगे या फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से खेलोगे चिल्ड्रन तो हो सकता है कि कभी आप अपने आप को हर्ट कर लो राइट क्योंकि फायर और इलेक्ट्रिसिटी होते बहुत डेंजरस हैं एंड दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी डेंजरस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दम एंड दैट इज वाई हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए वेन वी आर यूजिंग दैम अंडरस्टूड चिल्ड्रन फायर इलेक्ट्रिसिटी आई नो बहुत इंपॉर्टेंट

You can see these pictures children, okay? There are two pictures. Ek picture ye hai aur apki dusri picture ye hai. Now, you have to understand that what is the difference between these two pictures. Okay, I will tell you. Now, you can see in the first picture, the girl is trying to take out her bread, what she is toasting inside the toaster without switching off the plug. वेरी वेरी डेंजरस क्या करना चाह रही है ब्रेड को टोस्टर से निकालना चाह रही है लेकिन प्लग को ऑफ नहीं कर रही है ओके यू कैन सी हाउ शी इज टेकिंग आउट द ब्रेड यूजिंग दिस यूटेंसिल बट वॉट शी हैज नॉट डन कौन सी खतरनाक चीज उसने नहीं बंद की है वो है उसने प्लग को प्लग पॉइंट से नहीं निकाला है but in the another picture what you can see that this girl is taking out the bread using that utensil but before taking out the bread she has आउट, राइट right? उसने प्लग को निकाल दिया है, है, और इसलिए वाला जो पिक्चर दिस इज़ द राइट वे ऑफ टेकिंग आउट द ब्रेड एंड दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस जब प्लग लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है उसी बीच में आप अपनी ब्रेड निकाल रहे हो इट्स वेरी डेंजरस चिल्ड्रन आपको करंट लग सकता है ओके okay, यहाँ पे देखो ये करंट का निशान है दिस इज वेरी वेरी डेंजरस कि आपने प्लग नहीं निकाला और ऑन में ही आप अपनी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हो बट इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी कि वो अपनी ब्रेड निकाल रही है लेकिन उसने सबसे पहले प्लग को निकाल दिया है सो दिस इज सेफ बट दिस इज एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन आपको भी क्या करना है वेन एवर यू यू

फायर क्रैकर्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स ये चीजें घर पर मिलती ही मिलती हैं चिल्ड्रेन मैच स्टिक्स हो गया फायर क्रैकर्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स यूज अ मैच स्टिक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट चिल्ड्रेन पहली बात तो आपको मैच स्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज यू आर स्मॉल राइट बट इवन इफ यू आर यूजिंग इट प्लीज दे यूज मैच स्टिक्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट ओके हमेशा बड़ों के साथ ही मैच स्टिक का यूज करो बट कोशिश करो कि मैच स्टिक का यूज ना करना पड़े क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो और हो सकता है कि डेंजरस है ये चीज़ कि अगर आपने मैच स्टिक जलाई और उसकी बुझी नहीं तो वो तो आपका हाथ जला देगी एंड दैट इज़

क्या करने से पहले डस्टबिन में फेंकने से पहले नहीं तो हो सकता है कि आप ब्लो ऑफ ना करो और आपने डस्टबिन में डाल दिया और डस्टबिन में ही फायर पकड़ ले राइट सो समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट टू रिमेन सेफ है ना और आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सेफ रखना है इसलिए ऐसी चीजों में बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है जिससे हो सकता है खतरा और अगर करना भी है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो And you will remain safe. Okay? So, you can see this girl is doing what? This girl is putting the fork inside the toaster, and the boy is. On, right? वो plug रहा है वो स्विच ऑन करने वाला है और वहीं पे गर्ल क्या कर रही है फोक को अंदर डाल रही है टोस्टर के डेंजरस एक्ट ओके अनदर थिंग दिस गर्ल इज डूंगीज प्लेइंग विदिक और काम हो जाने के बाद भी शी इज नॉट ब्लोइंग इट ऑफ डेंजरस एक्ट थर्ड द बॉय इज प्लेइंग विद द फायर firecrackers, राइट वो अपना डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहा है बॉडी से और उसके हाथ में फायर क्रैकर है अगेन डेंजरस एक्ट सो चिल्ड्रेन ये सारी चीजें खतरा हैं ये सारी चीजें डेंजरस हैं और इसलिए सेफ्टी का चैप्टर में ये सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं कि आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है दीज आर रॉन्ग वेज एंड वी आर ट्राइंग टू टीच यू दी राइट वेज दैट वेनएवर यू You are using some kind of electrical appliances or matchsticks how to remain safe okay so this is the thing when you are at home and using some electrical appliances and some common things which are dangerous but still you can follow some rules and regulations or sakte ho safe or ho safe now नाइफ, जर्स एंड टूल्स नाइफ मतलब चाकू सिजर्स कैची और टूल्स आर यूज इन एवरी होम हर घर पे ये चीजें बहुत कॉमन पाई जाती हैं क्या क्या नाइफ हो गया सिजर्स हो गया और कुछ चीजें टूल्स बट वी कैन गेट हर्ट इफ वी आर नॉट केयरफुल वाइल यूजिंग दैम बट क्या हो सकता है हमें चोट लग सकती है हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हमने केयरफुली इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया तो ठीक है आस्क योर एल्डर्स हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली क्या करना चाहिए अपने बड़ों से पूछ के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बड़े हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं एंड दैट इज़ वाई वेन एवर यू आर यूजिंग देम यू शुड ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स फर्स्ट दैट हाउ टू यूज दीज थिंग्स प्रॉपरली ओके ऑलवेज यूज़ दैम इन देयर प्रजेंस और हमेशा यूज़ करो जब वो आपके सामने है वेन दे आर नॉट एट होम और दे आर इन सम अदर रूम्स ट्राई टू अवॉयड यूजिंग दीज थिंग्स चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन हर्ट यू आपको चोट लग सकती है ओके okay? ंग्स दीज आर वेरी वेरी डेंजरस कैची से हाथ कट जाता है चाकू से हाथ कट जाता है ब्लड आ सकता है तो इसलिए हमेशा बड़ों के साथ यूज करो अगर वो नहीं है घर पे अगर वो दूसरे रूम में है तो आप उनका वेट करो वंस दे आर इन योर रूम और वंस दे हैव कम बैक आस्क देम एंड यूज देम यूज दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ देम ओके तो इस तरह से आप सेफ रहेंगे ना अदर सेफ्टी रूल्स क्या क्या पढ़ लिया रोड की सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए घर के सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए अब हम कुछ अलग प्रकार के सेफ्टी रूल्स पढ़ते फॉलो द रूल्स वाइल प्लेइंग अ गेम डू नॉट ट्राई टू हर्ट एनी प्लेयर येस दिस इज वेरी कॉमन थिंग विच हैपन्स अमंग यू चिल्ड्रेन हम जब कोई गेम खेलते हैं तो हम कहीं हार ना जाएं तो हम एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं उसको हर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं बट नो चिल्ड्रेन जब भी आप गेम खेलो या फिर किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट खेलो हमेशा खेलो लॉयल होकर ऑनेस्ट होकर कि कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ओके okay? भले आप गेम हार जाओ लेकिन नेवर एवर ट्राई टू हर्ट एनी प्लेयर एंड ऑलवेज फॉलो रूल्स ओके रूल्स ऑफ द गेम हमेशा फॉलो करना चाहिए ठीक है स्पेशली आप देखते हो कि जो फुटबॉल का गेम होता है चिल्ड्रन उसमें लोग एक दूसरे को धक्का देने में लगे रहते हैं ताकि बॉल उनके पास आ जाए या बॉल गोल ना हो रॉन्ग एटीट्यूड ओके अगर आपको खेलना है तो रूल्स का फॉलो करना है आपको आप जब कोई गेम खेलते हैं तो आपके स्पोर्ट्स टीचर आपको रूल्स समझाते हैं ना दे मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी गेम वाई बिकॉज सच थिंग शुड नॉट अकर यू शुड नॉट हर्ट एनी प्लेयर जस्ट टू विन द गेम है ना हार जीत लगी रहती है लेकिन इस तरह से किसी को हर्ट करके जीतना गलत बात है चिल्ड्रेन ओके सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स विच यू कैन फॉलो एट दी प्ले ग्राउंड हमेशा खेलो ऑनेस्ट होके खेलो ओके ना नेवर ट्राई टू टेस्ट एनी मेडिसिन येस कभी कभी आप देखते हो कि मेडिसिन के पत्ते हैं कलरफुल कलरफुल मेडिसिन हैं तो आपको लगता है एक टेस्ट कर लिया जाए ये तो चॉकलेट जैसी दिख रही है ये तो टॉफ़ी जैसी दिख रही है तो कैंडी जैसी दिख रही है नो no चिल्ड्रन मजाक में भी नेवर ट्राई टू टेस्ट एनी मेडिसिन यू डोंट नो वॉट आर द साइड इफेक्ट्स राइट मेडिसिन के ना अपने अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपने मेडिसिन खा ली और हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए इसलिए बिना मम्मा पापा से पूछे आपको कोई मेडिसिन को हाथ नहीं लगाना है अगर आपकी तबीयत खराब है योर पेरेंट्स विल गिव यू द मेडिसिन योर एल्डर्स विल यू द मेडिसिन बट यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ओके आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना है हमेशा बड़ों के बीच में ही मेडिसिन का यूज करना है ओके okay? कितनी भी अट्रैक्टिव मेडिसिन हो कितनी भी अट्रैक्टिव बॉटल हो आप टच नहीं करेंगे ओके अनलेस इट इज Asked you to use them in the presence of your elders. Okay? फॉलो तो करना है Now, never eat anything growing on plants that you do not know about. Yes, कभी कभी हम इतने एक्साइटमेंट में ना प्लांट्स में कुछ निकला है फल टाइप आपको लगता है ये तो फल है इसको खा लो No. कभी भी चिल्ड्रन प्लांट्स में कुछ निकला है ग्रोइंग पार्ट है उसको नहीं खाना है दीज कैन बी पॉइजनस आपको पता नहीं है वो जहरीला भी हो सकता है इट कैन बी पॉइजनस ओके सो नो टचिंग नो ईटिंग ऑफ़ एनी प्लांट्स ठीक है जब तक प्लांट्स आप जानते नहीं हो या फिर उसका फल फूल कॉमनली नोन पीपल को पता नहीं है यू शुड नेवर ट्राई टू टेस्ट इट ठीक है हो सकता है कि उसका जो फल निकला है वो पॉइजनस हो पॉइजनस मतलब जहरीला हो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है फूड पॉइजन हो सकता है और इसलिए कभी भी एक्साइटमेंट में आके खुश होके पेड़ में कुछ निकला है फल नया सा दिख रहा है डोंट प्लक इट एंड ईट इट ओके इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस माईडियर students okay now let's see what's next never tease animals this can they can bite or hurt you ऑल्सो मतलब तंग, कभी भी जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए ठीक है. वैसे भी बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए आप तो जानते हो आप तो समझते हो आप तो बोल सकते हो तो इसलिए ये सब जानते हुए डू नॉट टीज एनिमल्स ओके दे आर फ्रेंड्स एंड एक बात और हो सकती है कि आपने टीज किया और एनिमल को गुस्सा आया तो वो आपको बाइट कर सकता है काट सकता है ओके सो नेवर एवर ट्राई टू टीज एनिमल्स यू कैन सी दिस बॉय इज डूइंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू कलर दिस कैट राइट रॉन्ग एटीट्यूड चिल्ड्रन बहुत गलत बात है ये किसी भी बेजुबान जानवर को नहीं तकलीफ देना चाहिए होली में रंग नहीं डालो पटाखों के शोर से इन्हें परेशान ना करो ये बोल नहीं पाते तो क्या होता है इनके अंदर फीलिंग्स तो होती है ना इसलिए चिल्ड्रन आज से नेवर ट्राई टू तो टीज एनिमल्स और हो सकता है किसी जानवर को इतना गुस्सा आए कि इट विल बाइट यू राइट तो अपने आप को सेफ रखना है ना तो नेवर ट्राई टू तो टीज एनिमल्स उनको जीने दो अपने हाल में यू डोंट गो एंड टीज देम ओके अनदर सेफ्टी रूल्स ना वॉट इफ समेट हर्ट अब इतने सारा सेफ्टी के बारे में पढ़ लिया हमने ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन को जान लिया हमने अब एक बारी बात आती है वॉट इफ समेट हर्ट क्या होगा अगर किसी को चोट लग जाती है तो ठीक है पीपल समटाइम्स गेट हर्ट इवन इफ दे आर केयरफुल कभी कभी लोगों को क्या होती है चोट लग जाती है अगर आप वो पूरी तरह से केयरफुल भी होते हैं तो होता है ना आप बोलते हैं मैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था मैं तो बहुत ध्यान से साइकिल चला रहा था लेकिन मैं गिर गया है ना तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं कभी कभी कि आप केयरफुल होते हुए भी अपने आप को चोट पहुंचा देते हो ठीक है ज ए माइनर कट और बन अगर किसी को बहुत छोटी सी चोट लगती है या फिर बहुत छोटी सी उसको जल जल जाता है वो कहीं बहुत थोड़ा सा जल जाता है क्या करना है इमिडिएटली वॉश द एरिया विथ कूल वाटर तुरंत जाके कूल cool वाटर में धोना है ठीक है अगर सपोज छोटा सा कट लग गया माइनर कट लग गया या फिर आप थोड़ा सा जल गए क्या करना है घबराना नहीं है इमीडिएटली गो एंड कूल दैट एरिया विद द कोल्ड वाटर ओके देन गेट द हेल्प ऑफ एन एडल्ट और फिर उसके बाद बड़ों की क्या करनी है मदद लेनी है ऑल राइट अंडरस्टोर अगर चोट लग जाती है जल जाते हो घबराओ नहीं तुरंत पानी के पास जाओ उसको वॉश करके कूल करो ठीक है ठंडा ठंडा पानी डाल के उसको ठंडा करो वॉश करो और उसके बाद बड़ों के पास जाके हेल्प लो ठीक है डों नीड टू पैनिक कुछ नहीं हुआ छोटी मोटी चोट लगती रहती है बस क्या करना है वो आना चाहिए इफ़ द हॉट लुक सीरियस अगर चोट आपको लगती है कि सीरियस है सीरियस मतलब बहुत बड़ी चोट है अगर डू नॉट बी स्केट डरना नहीं डू नॉट बी स्केट स्केट मतलब डरना नहीं Try to get the help of an adult as quickly as possible. बस कोशिश करो कि अपने बड़ों के पास जाके उनसे हेल्प लेने की ओके okay? जल्दी से जल्दी अपने बड़ों के पास जाओ और उन्हें अपनी चोट के बारे में बताओ और उनकी हेल्प लो पर्सन में नीड टू बी टेकन टू अ डॉक्टर हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए मरहम पट्टी के लिए पट्टी लगाने के लिए क्रीम लगाने के लिए ऑइंटमेंट लगाने के लिए इसलिए घबराना तो किसी भी चीज में नहीं हर चीज का सलूशन है ओके पहली चीज तो आप केयरफुल रहें। दूसरी चीज अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो गो वॉश इट विद कोल्ड वाटर एंड गो एंड सी योर एडल्ट एंड थर्ड इफ दिस प्रॉब्लम के पास जाना पड़े पट्टी करने के लिए बट किसी भी चीज में डोंट गेट स्केट ओके सो सी यू कैन सी दिस गर्ल वॉट शी ट्राइंग टू डू शी was ट्राइंग टू टच the कैक्टस प्लांट कैक्टस में तो क्या होते हैं कांटे निकले होते हैं थॉर्न्स निकले होते हैं और उसने अनजाने में कर लिया टच उसकी फिंगर में क्या आ गया चोट आ गया और ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट क्या है ये माइनर कट है छोटी सी कट है कुछ नहीं करना है वॉश करना है कोल्ड वाटर से और थोड़ा सा उसमें डिटॉल लगा लेना है ओके और चोट हो जाएगी ठीक इसलिए डोंट गेट स्कैड हर चीज का सल्यूशन है ओके चिल्ड्रन सो ये था हमारा चैप्टर सेफ्टी जिसमें हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जाने ऑन द रोड कैसे आपको रूल्स फॉलो करना है बस पे चढ़ने पे कैसे रूल्स फॉलो करना है प्ले में क्या रूल्स फॉलो करना है होम में जब रहते हैं तब कैसे रूल्स फॉलो करना है एंड ऑल्सो वी लर्न दैट इफ इज हर्ट देन वॉट ही शुड डू ओके तो ये सब चीजें हमने कवर की चैप्टर में और मुझे यकीन है कि अब से आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे ओके okay? अब एक एक इंफॉर्मेशन के अगर आपको मैगनेट ब्रेन के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये पेज खुलेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे लिखे रहेंगी क्लासेस चिल्ड्रन क्लासेस आपको जो आप क्लास में हो उस बटन को क्लिक करना है मान लो यू आर इन क्लास टू यू विल क्लिक बटन क्लास टू जैसे ही आप क्लास टू बटन क्लिक करोगे यू विल हैव योर टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है क्लिक बटन एंड दैट चैप्टर वाइज वीडियो विल बी इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है जैसे आपने ईवीएस दबाया आपको ईवीएस के सारे चैप्टर वाइज वीडियो दिखने लगेंगे फिर आप कोई भी वीडियो को क्लिक करो एंड द वीडियो विल स्टार्ट सो so, ये था हमारा टॉपिक सेफ्टी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडर गार्डन टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू